नमस्कार दोस्तों, आज का मैच इस वीडियो में हम कवर करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच है 1 नवंबर 9:30 दोस्तों मॉर्निंग टाइम में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के पिच पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की एक यूनिक टीम बनाने के लिए या एक से अधिक टीमों को एक साथ बनाने के लिए जिससे कि दोस्तों आपकी सभी टीम का रैंक अच्छा हो और आप सभी टीम से अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओ, या दोस्तों कहीं आपके सपने कुछ बड़े हैं, आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड रैंक तक सोच रहे हो कि मेगा ग्रैंड लीग में काश हो जाए ऐसा, तो बिल्कुल गाइस पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है गाइस कुछ लॉजिक से अगर आप टीम बनाते हो तो फिर दोस्तों वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो कि आप सोचते भी नहीं हो। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि सुंदर और मिचेल सैंटनर ये एक ऐसे खिलाड़ी हो गए इस मैच के लिए जो कि सबसे ज्यादा लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाले हैं, और दो मैच जो रिसेंटली हुए हैं न्यूजीलैंड ने जीते गए तो ज्यादातर प्लेयर लोग रखेंगे न्यूजीलैंड टीम की तरफ से। और तीसरे टेस्ट में क्या दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली को फिर से ड्रॉप करके चलना है, जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, इन बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का रिस्क लेना है या कहीं से कहीं ना कहीं कमबैक करेंगे, सारी जानकारी दोस्तों वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, क्या दोस्तों सुंदर या फिर मिचेल सैंटनर से हटके कुछ अलग कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, क्योंकि वो दोनों खिलाड़ी सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज खिलाड़ी होंगे। और ये वानखेड़े स्टेडियम है दोस्तों, क्या यहां से फिर से स्पिन को हेल्प मिलेगी या पेस बॉल्स को हेल्प मिलेगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट दोस्तों लास्ट टाइम के अपडेट के लिए, फाइनल अपडेट के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, वीडियो को कॉमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का जो पिच है, क्या रिकॉर्ड है इसके, टोटल यहाँ पर दोस्तों 10 टेस्ट मैच खेले गए जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 6 मुकाबले जीते हैं, और दोस्तों 3 मुकाबले जो है चेस करने टीम जीते और एक मैच यहाँ पे रद्द हुआ था। बाकी दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या बनता है पिच बैटिंग के फेवर में दोस्तों या बॉलिंग के फेवर में, अगर दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है भाई वो 370 या 350 के करीब का स्कोर करती है, फिर दूसरी टीम जो होती है वो चेस करते हुए सेकंड इनिंग में 393 मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों जो एवरेज स्कोर निकल के आता है वो फिर चेस करने में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट दोस्तों थर्ड इनिंग में क्या होता है फिर वो स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा बनता है और फोर्थ इनिंग में कहीं ना कहीं वो स्कोर कम हो जाता है। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं जो टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो अभी तक दोस्तों क्या देखने को मिला उसका विनिंग परसेंटेज हाई रहा है। बट आपने रिसेंटली फॉर्म क्या देखा है कि न्यूजीलैंड काफ़ी बढ़िया खेल रही है और अपनी इंडिया टीम दोस्तों 2 मैच लॉस करके आ रही है, तो भाई वहाँ से भी कुछ हमें सीखना चाहिए। एंड अगर दोस्तों बात करें हाई स्कोर की तो यहाँ पे 631 का भी बना है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैट्समैन एक बार फिर से तबाही मचा सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे ये पिच किस हिसाब से किस बैट्समैन या बॉलर्स को सूटेबल है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैलेंस विकेट, मतलब यहाँ पे बैट्समैन और फिलहाल बॉलर्स दोनों ही यूनिक कर सकते हैं। सबसे खास बात अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस जो फिलहाल स्पिन बॉलर्स हैं या पेस बॉलर्स, तो गाइस यहाँ पे कुछ रिसेंट यानी कि लास्ट के मैच आप देख सकते हो इस वेन्यू के जो कंप्लीट खेले गए दोस्तों। अपनी इंडिया टीम जो है फर्स्ट बैट करते 325 का स्कोर यानी कि फर्स्ट इनिंग में, फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है 62 पे ही ऑल आउट हो गई थी, ठीक है ये मैच ओल्ड है। एंड उसके बाद दोस्तों इंडिया टीम 276 फिर न्यूजीलैंड 167, यानी कि अपनी इंडिया टीम जो है न्यूजीलैंड को इस ग्राउंड पे हराया हुआ है। एंड इस मैच में अगर आप देखोगे तो पेसर को 3 विकेटें और स्पिन बॉलर्स को दोस्तों 33 विकेटें, मतलब दोस्तों आज के इस मैच में फिर से कहीं ना कहीं सुंदर और मिचेल सैंडर हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं। अगेन दोस्तों एक मैच और देख लीजिए, इंग्लैंड 400 का स्कोर फर्स्ट इनिंग बैट करते हुए, सेकंड इनिंग में इंडिया टीम 631 देख सकते हो गाइस, एंड उसके बाद इंग्लैंड 195 थर्ड इनिंग में, एंड फिर यहाँ पे फोर्थ इनिंग में जो कि दोस्तों अपनी इंडिया टीम बैटिंग नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी अपनी इंडिया टीम लीड कर रही थी अच्छे खासे रनों से। एंड अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे पेसर के तो 3 विकेट इस मैच में पेसर बॉल्स को मिली थी, और स्पिन बॉल्स की अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस मैच में भी दोस्तों स्पिन बॉल्स को जो है विकेट मिली थी 25, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर यहाँ पे स्पिन बॉलर्स बने थे। तो गाइस फिर से मिचेल सैंटनर और सुंदर जैसे खिलाड़ी आज के इस मैच में तबाही मचा सकते हैं गाइस, बट जो रिसेंटली स्पिन बॉलर फ्लॉप हुए गाइस कहीं ना कहीं वो कमबैक कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा दोस्तों, चाहे वो अपने इंडिया टीम की तरफ से हो चाहे वो न्यूजीलैंड टीम की तरफ से। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करेंगे तो लास्ट 10 मैच में आप देख रहे हो तो फिलहाल न्यूजीलैंड जो 2 मैचेस एक्स्ट्रा विन कर ली है रिसेंटली के, तो उसमें से दोस्तों अगर काउंट करेंगे तो 6 मुकाबले लास्ट 10 मैचेस में न्यूजीलैंड टीम ने जीते हैं और अपनी इंडिया टीम दोस्तों 4 मुकाबले जीते हैं रिसेंटली। आप देख रहे हो किस हिसाब से क्या मैच चल रहा है। बाकी अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लेयर के एनालिसिस के बारे में, और सबसे पहले अपनी इंडिया टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 दोस्तों आप देख सकते हो, जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन भी कम रहेगा और फ्लॉप भी जा रहे हैं, और विराट कोहली का भी दोस्तों वही हाल है। ऋषभ पंत लास्ट मैच में कुछ खास करके नहीं गए, सरफराज भी नहीं करके गए क्योंकि आपको पता है क्या हाल था सेकंड टेस्ट मैच में। एंड जडेजा हो गए, फिर यहाँ पे अश्विन हो गए, तो आज के इस मैच में ये 2 खिलाड़ी थोड़ा सा यूनिक कर सकते हैं। सुंदर भाई आपने देखा कि तबाही बॉलिंग कराई इसने,
भाई अच्छा खेला इसने भाई, और वन साइडेड भाई ये बंदा लड़ा है ठीक है न्यूजीलैंड से। एंड आकाशदीप, फिर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, इस हिसाब से आपको जो है अपनी टीम की लाइनअप देखने को मिलेगी। एंड अगेन दोस्तों बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रोहित शर्मा की जो कि फिलहाल लगातार दोस्तों फ्लॉप चल रहे हैं। और भाई आपने देखा कि पहले टेस्ट मैच में तो कुछ अच्छी इनिंग भी आ गई थी, बट उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच में तो भाई बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस रहा। मतलब क्या रहा दोस्तों, वो देख सकते हो 8 रन और 0 रन ठीक है, दोनों इनिंग में कितने टोटल 8 रन, उससे पहले 2 और यहाँ पे 52। मतलब पहले टेस्ट मैच में एक हाफ सेंचुरी भी आई थी, उसके पहले देखोगे 23 और 8, 6, 5, 103। मतलब दोस्तों जो कि रोहित शर्मा है ये बहुत ही कम अब टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट इस वेन्यू पर जो इन्होंने 631 का स्कोर बना था इंग्लैंड के गेस में जो मैंने आपको बताया, वहां पे इन्होंने भाई 111 रन की इनिंग खेली थी एक टेस्ट मैच में ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कम बैक कर भी सकता है, बट यार सामने तो सेम टीम ही है जिसके पास भाई कहीं ना कहीं विनिंग का अनुभव है, रिसेंटली 2 मैचेस जीत करके आ रही है। तो भाई देखिए आज के इस मैच में तो मैं आपको प्रेफर करूंगा रोहित शर्मा को कि आप ट्राई कर सकते हो सकता है कि यह खिलाड़ी आज के इस मैच में 90 प्लस की भी इनिंग बना सकता है ठीक है। तीसरा टेस्ट मैच है क्योंकि भाई इतना सीरियसली न्यूजीलैंड टीम जो है खेलेगी नहीं। जयसवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 और 77, फिर उसके यहाँ पे 13 और 35, 72 और 51, 56 और 10। मतलब ये खिलाड़ी गेज कैसा है कि ये खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, ये खिलाड़ी ऐसा है कि युवा प्लेयर है और कहीं ना कहीं आपको उस कंडीशन से रन बना के दे देगा जो कि कहीं ना कहीं आपकी टीम लॉस नहीं होगी। रोहित शर्मा को जिस टीम में रखेगा इसमें चाहो तो आप कैप्टन भी कर सकते हो या तो वाइस कैप्टन, अदरवाइज अगर 2 से 3 मेगा ग्रांड लीग की टीम के साथ चलते हो तो फिर मैं कहूंगा जयसवाल एक बेस्ट ऑप्शन होगा सभी टीम के लिए, और रोहित शर्मा को उसी टीम में रखिए जिसमें दोस्तों आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों शुभमन गिल की बात करेंगे तो भाई ये खिलाड़ी आप देखोगे 30 और 23 ठीक है, इस हिसाब से इसका जो है इनिंग आया था, फिर उसके पहले 39, 6, 0, 119, 25 और 21। मतलब ये खिलाड़ी भी वैसा ही खेल रहा है ठीक है, मतलब किसी की भी कंसिस्टेंट बैटिंग देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। विराट कोहली की बात करें राइट बैट्समैन है 1 और 17, 0 और 70, 47 और 29 और 6 और 17 गेज, मतलब आउट ऑफ फॉर्म। अब दोस्तों देखिए यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ये होगी कि कहने के 4 खिलाड़ी जो टॉप के आपको मिल रहे हैं तो यहाँ से देखिए दोस्तों एक टीम तो आपको ऐसे बना लेनी जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा सीवीसी कर सकते हो, वो थोड़ा सा रिस्की होगी मैं बट करूंगा अपनी टीम में दोस्तों, एक टीम तो ऐसे बनाऊंगा मैच ठीक है, क्योंकि विराट कोहली ने वेन्यू पे 5 मैच में 469 रन बनाए दोस्तों और 58 का औसत है ठीक है। ये खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा एक टीम में आपको ओनली करना है अगर आप रिस्क लेते हो तो, अदरवाइज फिर शुभमन गिल और जयसवाल को हम एक साथ रखेंगे, चारों को दोस्तों हम एक साथ नहीं लेकर चल सकते क्योंकि आपको पता है किस कंडीशन से खेलना है, क्योंकि सामने टीम में दोस्तों बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। ऋषभ पंत की बात करेंगे तो फिर आपको पता है एज अ विकेट कीपर खेलते हैं, लास्ट यानी कि सेकंड टेस्ट मैच में फ्लॉप हो गए थे बट उससे पहले 99 और 20 की इनिंग थी, हालांकि ये खिलाड़ी को तो आपको रखना होगा। एंड सरफराज खान दोस्तों लास्ट मैच ये भी फ्लॉप गए, उससे पहले 0 और 150 की इनिंग थी, हालांकि इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है ठीक है दोस्तों। मतलब कि ऋषभ पंत और सरफराज खान ये थोड़ा सा डेप्थ में बैटिंग करने आते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप टॉप 4 जो ऊपर मिल रहे हैं ठीक है उनमें से आप 1 को रखते हो या 2 को रखते हो तो इन खिलाड़ी के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको बता दूं कि फिलहाल जो है आप रिस्क लेते हो रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर, उसमें फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप एज अ विकेट कीपर ऋषभ पंत को ही ओनली अपनी टीम में रखेगा। बाकी जडेजा की दोस्तों बात करेंगे तो बॉलिंग बैटिंग दोनों है, लास्ट मैच आपने देखा गया कुछ खास हुआ नहीं, उससे पहले तो 3 विकेटें भी मिल गई थी। ये खिलाड़ी आज के इस मैच में बढ़िया कर सकता है, 1 मैच वेन्यू पे खेला, 6 विकेटें इसने निकाली हुई है, मतलब कि स्पिन के लिए पिच काफी कंसिस्टेंट काफी बढ़िया है। और हालांकि मुझे उम्मीद है कि जडेजा आज के इस मैच में यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। अश्विन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पता है हर मैच में बढ़िया बॉलिंग करता है, अश्विन और जडेजा एक सेफ कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों सुंदर भाई क्या ही खेला बंदा, आप देख सकते हो 18 प्लस और 7 विकेटे ठीक है, मतलब खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं। और यहां पर दोस्तों 4 विकेटे, मतलब दोनों इनिंग में तबाही, और उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया बैटिंग करके गया था। टीम सिलेक्शन बिल्कुल भाई आप रख सकते हो उस खिलाड़ी को, 1 मैच में 11 विकेटे लेके गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, तो भाई कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी अच्छे ऑप्शन है। और किसके साथ करेंगे दोस्तों आगे बताऊंगा। बुमराह की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्लॉप, उसके पहले वाले में भी फ्लॉप है। और हालांकि मैं बताना चाहूंगा न्यूजीलैंड भाई पेस बॉल्स को बढ़िया खेलती है टेस्ट मैचेस में, और उतने खास आंकड़े भी दोस्तों नहीं, 5 मैच में 9 विकेटे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ में, मतलब थोड़ा सा मुश्किल खिलाड़ी है। और सिलेक्शन परसेंटेज हाई होगा बट मैं रिस्क थोड़ा सा कम लूंगा, ड्रॉप करने का रिस्क ज़्यादा लूंगा। आकाशदीप दोस्तों आप देख रहे हो कि नए प्लेयर 4 मैच में 8 विकेटे, उतना चांस नहीं देना आपको, और ड्रॉप करके चल सकते हो। बेंच की बात करेंगे तो केएल राहुल, कुलदीप यादव, जुरेल, कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो भाई चांस आपके लिए पास बढ़िया है, आप ट्राई करिएगा क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच है। एंड फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की, डेविन कॉनवे, टॉम लथम, विल योंग, रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिप्स और टॉम ब्लेंडेल, मिचेल सैंडर, टिम साउथी, एजाज पटेल और विलियम ओरोर के गए ठीक है, ये आपको इनकी लाइनअप मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे इनके प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म कैसा रहा। देखिए टॉम लथम दोस्तों यहाँ पे 86 और 15,
15-0, मतलब पहले मैच में फ्लॉप हुआ, कोई रखा नहीं भाई, सेकंड टेस्ट मैच में आप देखा परफॉर्मेंस देख गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 78 की इनिंग भी है, 70 की मतलब अच्छा मैच खेल लेता है, ठीक है टेस्ट मैच में। एंड वेन्यू पे दोस्तों इसने एक मैच खेला था, 16 रन बनाया था, जिसमें कि इंडिया टीम ने अपने हरा दिया था। अब यहाँ पे इस खिलाड़ी को क्या रख सकते हैं गाइस, तो मैं थोड़ा सा देखिए उम्मीद करना चाहूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो, खिलाड़ी पहले भी अच्छी इनिंग खेल चुका है यहाँ पे देख सकते हो, और ये और T20 और ODI के लिए उतना खास नहीं खेलते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक है, डोमेस्टिक मैच हो चाहे जो भी हो, तो ये टेस्ट के लिए ही बने हैं, तो टेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो आप। डेविन कॉर्नर की बात करेंगे भाई, खिलाड़ी बढ़िया खेल रहा है, एज अ विकेट कीपर खेलता है तो रख लीजिएगा, और चाहो तो आप यूनिक CVC भी कर सकते हो, बढ़िया इनिंग खेल रहा है, देखिए यहाँ पे 91-17, यहाँ पे 76-17, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं एक इनिंग में तो अच्छी बैटिंग करके जाता ही जाता है। विलियम दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनके पास उतने अच्छे आंकड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18-23, 33-48, 2-17, 19-68, ये खिलाड़ी क्या आज के इस मैच में कुछ कर सकते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, जब आप टॉम लथम को ड्रॉप करोगे तब दोस्तों। एंड रचिन रविंद्रा लास्ट मैच आप देखोगे तो बॉलिंग नहीं करते, हालांकि उससे पहले अच्छे रन भी 134 की इनिंग भी आई थी और बॉलिंग भी इसने कराई थी। अब टीम सिलेक्शन गाइस कहने गए, देखिए वेन्यू पे एक मैच में 22 रन और 3 विकेटें हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, देखिए रचिन रविंद्रा को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, हालांकि बॉलिंग थोड़ी सी कम चांसेस के पास, क्योंकि मिचेल सेंटर ऑलरेडी आ चुके, बट CVC चाहे तो डेविन कॉर्नर के साथ आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। डेरिल मिचेल 18-18, 18-13, 1-57, मतलब उतना खास रोल है नहीं, ड्रॉप कर सकते हो। टॉम ब्लेंडल दोस्तों नीचे बैटिंग करता है, हालांकि उतनी अच्छी इनिंग भी नहीं है, तो ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। बाकी ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग करके गया था और आपने देखा 2 विकेट चटकाई थी, क्या टीम में रख सकते हैं, हालांकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये खिलाड़ी टेस्ट मैच में बॉलिंग करता है, क्योंकि 11 मैच में दोस्तों 20 विकेटें इसके पास, 568 रन, 35 का औसत है, ठीक है बॉलिंग करा सकता है, चांस लेना चाहो तो ले सकते हो। मिचेल सैंडर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 33 रन प्लस 7 विकेट, फिर यहाँ पे 4 रन प्लस 6 विकेट, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी 11 से 12 13 विकेट लेके गया है, ठीक है पूरे मैच में, तो कहने गए इस खिलाड़ी को आप चांस दे सकते हो, मतलब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसके साथ, वास्तव सुंदर के साथ गाइस, ठीक है। एंड फिलहाल बात करेंगे टीम साउथी की, तो गाइस ये खिलाड़ी भी लास्ट मैच फ्लॉप गया था और उसके पहले भी आप देख सकते हो। बाकी गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेस के पास उतनी अच्छी हेल्प नहीं है, तो पेस को थोड़ा सा कम रखिएगा, और एजाज पटेल को आप जो है एज अ ट्रम कार्ड रखिएगा एजाज पटेल को। और वेन्यू पे दोस्तों इसने भाई देखिए ये तबाही मचाई थी इसने, ठीक है वेन्यू पे, तो इस खिलाड़ी को एज अ ट्रम कार्ड आपको पिक करके चलना है भाई, 14 विकेट इसने निकाली थी, ये मैच आपको याद भी होगा गाइस, तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी को रखना पड़ेगा आज के इस मैच में। एजाज पटेल को सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा, आपके लिए ट्रम कार्ड भी दोस्तों बन सकता है। बाकी विलियम रोरके की बात करें, पेस बॉलर्स हैं, लास्ट मैच फ्लॉप गए, स्पिन को हेल्प मिली, आज के इस मैच में दोस्तों ऐसा ही कुछ हो सकता है, बट रोरके या टीम साउथी दो में किसी एक को आपको सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि भाई बिना पेस के भी हम नहीं चलेंगे, ठीक है। बेंच की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जेकब डेफी, इस सोथी और मैट हेनरी, यहाँ से कोई खिलाड़ी आता है तो अपडेट आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए जो दो टीम का प्रीव्यू है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बस दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि ये कंफर्म टीम नहीं है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल आपको टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पे दोस्तों आपको मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग टीम के कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है गाइस, तो अभी के लिए टीम सेट कर सकते हो। एंड बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हो, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने रिस्क भी लिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।